परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के 7 दिन बाद दीपावली आ रही है और इस दीपावली पर न केवल जैन बल्कि अजैन लोग भी अपने खाता बही और दवात कलम की पूजा करते हैं। महाराज जी, क्या खाता बही की पूजा करना उचित है, और अगर उचित है तो इसकी विधि क्या है? और दूसरा प्रश्न इससे मिलता जुलता कि कई लोग अपने घर की बहुमूल्य वस्तुओं की पूजा करते हैं या जिस तिजोरी में बहुमूल्य वस्तुएं रखी है उसकी पूजा करते हैं, यह कहां तक उचित है? पहले पूजा का अर्थ समझना पड़ेगा। पूजा अनेक अर्थों में आती है। पूजा आती है एक आराध्य की पूजा स्वाहा करके की जाती है। आराध्य की पूजा में अर्घ समर्पण किया जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प किया जाता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जिनेन्द्राय जलम निरुपामति, तो यहाँ संकल्प भी है, साक्षी भी है और स्वाहा भी है। दूसरी पूजा होती है मात उपलब्धि, कुछ नहीं करना, हमारी कोई भावना नहीं है, मात दूसरे को देना मात्र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरे को दिया जाता है, ग्रहण ग्रहण कहा जाता है, ये तुम स्वीकार करो, ग्रहण करो, मुझे इसके बदले कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर रहा हूं, आराधना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मात यह वस्तु दे रहा हूं, वो भी पूजा के अर्थ में आती है। उनके गुण मुझे नहीं चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए। पहले आराध्य में मुझे चाहिए भी है और तुम्हें स्वाहा भी है, दूसरे पूजा में हमें कुछ नहीं चाहिए और ना तुम मेरे आराध्य हो, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको ग्रहण करो, ग्रहण ग्रहण बोलते हैं। तीसरी पूजा होती है मंगल रूप में, जो ना तो देना है और ना हमें उससे कुछ लेना है और ना वो मेरा आराध्य है, लेकिन हमें सगुन करना है, सगुन। ये तीन रूप में पूजाएं शास्त्रों में मिलती है, तीन रूप की पूजाएं हर दर्शनकार में मिलती हैं। तो इन तीन पूजाओं में पहली पूजा आराध्य देव की होती है, देव शास्त्र गुरु की, जिसमें प्राप्ति भी है, आराधना भी है और समर्पण भी है। दूसरी पूजा होती है जो आप लोग अपने रिश्तेदारों में आदि में देते हैं, जैसे कुंवर साहब आदि को, ग्रहण ग्रहण, ये पकड़ो, कुछ मुझे चाहिए नहीं, तो मेरे आराध्य नहीं हो, तो उसमें लेकिन सम्मान के साथ देते हो, टीका लगाते हो आप लोग, जैसे अभी आप लोग टीका लगाते हो ना, तो उसके बदले में आपको लोग कुछ देते हो, रिश्तेदारी में करते हो ना टीका, बारात वगैरह का, तो टीका लगा दिया, अब इसमें कुछ नहीं, मात देना है, ये कहलाती है दूसरी पूजा, इसका दूसरा अपनी भाषा में सम्मान बोलते हैं। तीसरी पूजा जो मांगलिक होती है, ये जड़ चेतन सबकी की जाती है, बही खाते की मांगलिक किया जाता है, अर्घ नहीं चढ़ाया जाता, नमस्कार नहीं किया जाता, जल नहीं चढ़ाया जाता, मात स्वस्तिक बना के मांगली करना, चावल छेपड़ करके मांगली करना, मकान की पूजा, तो मकान की पूजा में अर्घ नहीं चढ़ाना, उसको कुछ भेंट नहीं करना, मात सगुन करके मांगली करना, पुष्प छेपण करके, गाड़ी की पूजा, ये तीसरे प्रकार की पूजा में आया है, मांगली करना, उसको नमस्कार नहीं करना, गाड़ी को अर्घ नहीं चढ़ाना, गाड़ी को मात स्वस्तिक आदि करके मांगली करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया और तीनों पूजाएं उन्होंने कराई, जिसमें दो पूजाएं मुख्य थी। आराध्य की पूजा भरत चक्रवर्ती ने समोषण में जाके की और सुदर्शन चक्र का उन्होंने मांगलिक किया। मांगलिक कैसे किया, जो पुष्प पूजा के बाद लाए थे चक्र पर और 9 निधियों के ऊपर फेंक दिए, ये मांगलिक कहलाता है। तो तीसरी पूजा जो आप मांगलिक रूप में दवात की, कलम की, तराजू की, मीटर की, तिजोरी की, धन दौलत की, जो कि तुम्हें करना करो, बस मांगली कर दीजिए, उस पर नमस्कार नहीं करना, आरती नहीं उतारना, अगरबत्ती नहीं लगाना, मात जो पुष्प है, जो दिवाली की आप पूजा करेंगे तो दिवाली की पूजा करने के बाद उसमें थोड़े से चावल बचा लेना, पुष्प और केसर बचा लेना, जिस चीज का आप मांगली करना चाहते हो उस पर छेपण कर देना, केसर से स्वस्तिक बना देना, श्री शुभ लाभ लिख देना, बस ये सब मांगलिक कहलाते हैं। यदि मांगलिक के रूप में आप उसकी पूजा करते हैं तो मिथ्यात्व का दोष नहीं है, लेकिन तुम अर्घ समर्पण करते हो
तराजू के या बही खाते के पैर पड़ते हो, ऐसे नमस्कार करते हो, तो बराबर ये लोक मूढ़ता में आएगा, मिथ्यात में आएगा। इसलिए दिवाली आ रही है, लोगों को तीन प्रकार की पूजा, गाय पशु की भी मांगली करो, गाय की पूजा होती है, गाय की पूजा का अर्थ पशु की पूजा का अर्थ उसके पैर नहीं पड़ना, घोड़े की पूजा, हाथी की पूजा जिसके पास जो पशु है, बकरी की पूजा जिसके पास जो पशु है, कुत्ते की पूजा, कुत्ता तुम्हारे पास है, कोई बात है नहीं। पूजा का अर्थ क्या, जो आपके जब पूजा करने के बाद चावल आए, कुर्वन्तु ते, कुत्ते के ऊपर डालो ना कुर्वन्तु ते मंगलम, क्योंकि आपका कुत्ता प्रिय है, उसका मंगल हो, निरोग हो, अच्छा हो, कोई बात है नहीं है। अपनी खेती किसानी के ऊपर पुष्प फेंक दिए, दिवाली के तिजोरी के ऊपर पुष्प फेंक दीजिए, चढ़ाना नहीं, ध्यान रखना, ऐसा करके ओम रीम है, कौन देवता कहूं है, हाँ कुत्ता देवाय स्वाहा, ओम रीम बही खाता देवाय, नहीं नहीं, मांगलिक है ना, उसका मांगलिक करना। देखो आप लोग घर पे दरवाजे पे आते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तिलक लगाते हो, पुष्प डाल देते ना सिर पे, तो ये पूजा नहीं है, ये अर्घ समर्पण नहीं है, ये उसका तिलक लगाते दो पुष्प आप इस पे सिर पे फेंक देते हैं, यानी उसका सगुन कर दिया, मांगलिक है। तो एक सगुन के रूप में मांगलिक करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको पैर पड़ना आदि करना ये उचित नहीं है।